हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। सो अभी हम करने वाले हैं प्रैक्टिस मॉक से आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग भी अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड आप चाहो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके अपना स्कोर का स्क्रीन शॉट ले करके डायरेक्ट वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो देखते क्या रहता है हमारा स्कोर। सो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी 8 बॉक्सेस हैं जो कि ए टू एच है। या फिर एक काम करते हैं, इस बार हम क्वांट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। इंटू टू, 12 दूनी 24, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, फिर इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 4 4 6 हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पर प्लस का 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 फिर प्लस 10, 30 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0.5, ओके, इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1.5 फिर प्लस 1, और इंटू 2 माइनस 1 फिर इंटू 2.5 प्लस 1 होना चाहिए। तो 19 दूनी 38 तो ये हो गया, और यहाँ से 9.5 तो 10.5, 48.5 हो जाएगा। इंटू 1 फिर इधर इंटू कितना हुआ, फिर इधर इंटू नहीं बता, इंटू 1 फिर 2 करते हैं तो 16 16 दूनी, नहीं यहाँ से देखते हैं इंटू में 12 7 84, इधर 7 आ गया, 1 3 और 5, तो यहाँ से 8 या 24 24 24 ही आएगा, सही है। प्लस में 6 प्लस 12, वो यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर भी नहीं पता, फिर प्लस 2 और 4, सो 12 6 12 फिर 42 आ गया। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 42 है, 6 12 फिर 18, नहीं 6 का 6 7 8, अगर मैं करता हूँ 8 फिर 10 फिर 12, तो 20 करता हूँ तो 52 सही है, फिर 30 हो जाएगा। आगे हमारे पास एक DI, अभी इसको आई थिंक मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जाएगा x² - 26x + 160 y², ओके ये तो है ही, 2 प्लस प्लस 4 4 5 2, 5 चौके 20 और 10 नहीं बने गए तो 16 और 10 16 और 10, ये भी प्लस प्लस 6 पर जाएगा, इंटू 2 और 1 फिर 10 7 और 3 बना लेंगे इसको, 3 3 9 और 14 है 14, और नहीं 7 3 21, तो 6 3 18 और 7, 18 और 7 बन तो गया, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। प्लस माइनस प्लस 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 का 3 × 5 × 2 5 × 2, 5 × 25, और यहाँ से देखते हैं तो क्या है, 2 2 4 जाती है, 12 नहीं बनेगा भैया, तो 10, ये 5 3 15 15 2 30, नहीं 5 क्या बन सकता है यार, 5 से 15 4 5 के 20 20 और 15, फिर इसका 10 और नहीं, ये तो नहीं बनेगा, 3 और 3 5 2, 5 से 15 3 2 6 15 6 90, 15 और 6, सो वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से क्या हो रहा है, 4 2 0 9 1 1 5 5 6 4 4 नहीं 3 और 19 4 करेंगे 4 चौक 16 8 चौक 32 फिर 4, तो प्लस माइनस 22 आ गया इसका। तो यहाँ से कितना हो रहा है, 6 y² और ये उस तरफ 2 2 0 6 4 7 2 4 3,
21 में से 17, 6, 6 दुनी 12, 5, 3, तो ये कितने पे जाएगा, 8, 6, 48, 9, 6, 54, तो ये बनेगा 17 प्लस, एक सेकेंड, बन तो दो नहीं प्लस माइनस रहे हैं, फालतू में निकाला मैंने, निकालना ही नहीं था। अब यहाँ से देख लेते हैं, एक बनेगा, दोनों प्लस प्लस है, 332, दो पर गया 16, एक, अब ये कितने पर जाएगा, 19, नहीं 161 कितने पर जाता है भैया, अभी 161 ही आएगा क्या, 16 और एक, हाँ तो 7, 7 दुनी 14, 7 पर चला जाएगा, 7 दुनी 14, 7 21, ठीक है, वो 14 और यही बन जाएगा 23, दूसरा है 14, अब ये इस तरह हो जाएगा 3y³ इक्वल्स टू 14 15, वो 11 का स्क्वायर है 121, 6 3 5 1, 5 1 4 फिर 2, तो यहां से आएगा 8, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, माइनस 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 17 10 10 और फिर 7, ये बनेगा वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स, इन ईच ऑफ 3 बेकरीज, चलो इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, डी आई देख लेते हैं एक बार अभी, तो नंबर ऑफ द, नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच स्कूल, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास, तो पास हुए हैं इतने टोटल नंबर स्टूडेंट मेल और फीमेल है, एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास इन ए और सी, पास ए 9603/4 प्लस में 12 8 96, तो 960 हो गए, तो 2400 4 12 1 3 2 4 1 7 0 8 1680, तो एवरेज होगा 840। इधर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बी, बी में जो पास हुए हैं यानी कि 600 टू द हु फेल्ड इन सी, सी में 12 2 24, 2 और 5, 5:2, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन ए एंड डी टुगेदर, ए और ए में कितना हुआ था यहाँ से, ये मैंने निकाला था ना, कितना आया था 0 4 12 1 3 2 4 1 7, तो पहले वाले में है 720, ए और डी में 148 × 7, 8 × 7 56, ये होगा ए, डी इधर लिख लेते, 8 × 7 56 होगा, 8 × 7 56 5, और 7 × 28 29 30 31 33 3, हाथ से लगी 3 10 1036, टुगेदर दोनों 1036 6571, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन बी, बी में है तो 17 हो जाएगा, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन एफ इज सेम एज द स्कूल ए और बी टुगेदर, सो ए और बी में 240 है इसके, 400 है इसके, 0 4 6 हो गए एफ में फेल, इफ 80% ऑफ द स्टूडेंट अपियर इन एफ इज पास, यानी कि ये जो है 20% है सिर्फ, 3 2 32 होंगे टोटल, लेकिन इसने पूछा है पास, तो 32 × 8 0 0 8 2 16 1 8 24 25 2560, ये रहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल हु फेल्ड इन बी सी ओ डी टुगेदर, फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल फेल्ड, के बी सी ओ डी, बी में हो गए 400, सी में है 12 2 24, डी में, डी का हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1400 सी है, 10364, यहाँ से 7 बचेगा 4 4 4 4 4, तो 4 4 2 8, और ये आ गया 10 / 4, और इन टू में जो है मेल टू फीमेल, फीमेल होंगी ज़्यादा, ठीक है, यहाँ से 2 आ गया 28 आ गया 7 2, 3 से 3 2 6, 27 81 816,
ठीक है, वो तो 800 साल तो है ही नहीं। फीमेल मेल और फीमेल हु फेल्ड, ए बी और सी जो कि ये है, और फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल हु फेल्ड इन द 3। ये तो बी में तो 400 ही आएगा, और 12 दुनी 24, 240, 046, और यहाँ से 148 × 3, 8 या 24 2, 14 3 42 43 44, ये बन रहा है 4 4 4, 4 4 2 8 10, डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 2 आ गया, 28 कितने पर जाएगा 7, और फिर एक यहाँ से 3 का 3, 27 81, ये वाला आएगा। मैंने लास्ट वाला गलत काउंट कर दिया था। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु पास्ड ए और ई टुगेदर, ए और ई, ए के हो गए 720, ई में कितने हैं, यहाँ से 8 5 40, 4 8 8 64, 68, 0 0, 7 2 14, 1400 हो गए। टुगेदर 40% आर मेल, फाइंड द मेल हु पास्ड, तो इसका 14 चौक 56 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से ये रहने देते हैं ना एक बार। फिर हम क्या कर रहे थे, ये देख लेते हैं, 45 यानी कि 90 मान लेते हैं इसको, इंटू में 210, 9 9 दुनिया 18 हो गया, और फिर है 2160 × 60 × 12, तो 6 2 हो गया, तो 16 32 2 4, माइनस करेंगे लेकिन ये 89, 3 आ गया 12 में से 4 आ गया 3, और फिर यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ पर ये माइनस का इक्वल्स टू 24/5 × 22/3, 8 आ गया, प्लस में x, वैसे है तो ये अप्रोक्सीमेट, 8 2 16 1, फिर 8 2 16 और 1 17, 5 से करेंगे तो 3 आ गया, और फिर 5 35 35 करेंगे तो 5 3 8 208 समथिंग कुछ आएगा इसका। शेट, ये वाला मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, 21 60/60 और ऑफ था ये। ठीक है, तो 6 3 18 6 6 36 12 3 आएगा, सिर्फ 3, 3 आए तो 186 आया, 186 में 35 जाएगा तो 1 5 151, ये रहा। 64 का 4 × 12 − 24/4x² − 7, तो 5 और 1 6 हो गया, 12 चौक 48, ये आ गया 42, 7 करेंगे 49, 49 का आएगा 7, 1/3 of 33, तो ये आएगा 11, प्लस 130 का 13 आ गया 10, यानी कि 21, और 676 को हम 24, 5 4 45, 45 का 25 होगा, 5 हो गए 20, 20 25, 25 60, 50%, ओके, सो ये आया 2 और 4, 5 और 1 6 और 1 4, 64 इक्वल्स टू एक्स प्लस 17 × 200, 17 × 34, 34 यहाँ से जाएगा 30 बचेगा, 28/4, 7 × में ये कितना होता है 32, 7 × 14, 7 21 और 1 22, फिर यहाँ से 28 ही उस तरफ जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, फिर बचेगा 19 यानी कि 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये तो खत्म हो गया। अब ये देख लेते हैं एक लास्ट टर्म, इन ईच ऑफ 3 बेकरीज ए बी सी आउट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ केक आर केक्स, जो कि बटर और कैरेट
टेबलेबल ए बी सी बटर एंड कैरेट टुगेदर द नंबर ऑफ द केक अवेलेबल ऑल थ्री टुगेदर 38 40। ठीक है, फिर द रेशियो ऑफ द बटर केक एंड द कैरेट केक बी, बटर और कैरेट के 3 और 5। द नंबर ऑफ द कैरेट इन ए आर, कैरेट इन ए आर 20% मोर देन द कैरेट ऑफ बी, 20% मोर, 5 × 10 तो 60 हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ द बटर केक ए, बटर केक इन ए इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ द बटर केक एंड कैरेट केक इन बी, 80 हो गया यानी कि 40। द नंबर ऑफ द कैरेट केक इन, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ द कैरेट केक इन सी, कैरेट केक इन सी इज 4/3 ऑफ कैरेट केक इन ए, कैरेट केक हो गया। ये कैसे बनेगा भाई? द नंबर ऑफ द कैरेट केक इन सी मोर देन द कैरेट, 60 है ना ये, वही मैं सोचू, 2 0 4 2 8 80 और क्या है। फिर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बटर और कैरेट केक इन सी, अगर ये तो ये 60 हो जाएगा, 0 0 इनकी सबकी हटा देते हैं, चाहे 10 10 इधर से हो गया, और 5 3 8 18, 8 से 14 6 12 तो यहाँ से आ गया 32 38 40। ठीक है, ये गया एक पर, 2 0 12 12 4 48 12 6 72, फिर 12 3 36 12 5 60, यहाँ से 12 6 72 12 8 84 नहीं 12 8 96। ठीक है, अब देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ केक अवेलेबल इन बेकरी ए तो बी, तो 10 था 1200 हो जाएगा ये, तो 12 8 96। अब इनका डिफरेंस 240, यहाँ पे था 14 08 और 16 ही हो गया। फाइंड द एवरेज नंबर तो कैरेट केक ए और सी, कैरेट जो कि ए और सी 0 8 4, फिर ये आएगा 8 4 0। द नंबर नंबर ऑफ द बटर केक अवेलेबल बी और सी, बटर केक बी और सी इज 1% मोर और 8 मोर और लेस देन द कैरेट केक अवेलेबल इन ए, कैरेट केक ए 720 06 3, 360 1080, यहाँ से 6 6 6 8 6 48 6 3, तो गलत तो नहीं कर दिया मैंने। द बटर केक अवेलेबल बी और सी, बटर जो कि बी और सी ये हो गए, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द कैरेट अवेलेबल इन, 360 720, 50% हो गया। आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल, टोटल अवेलेबल, टोटल केक अवेलेबल इन सी, इतने तो खराब हो गए एंड द रेस्ट आर फ्रेश, फाइंड द नंबर ऑफ द फ्रेश केक इन सी, 420 06 ये हो गए फ्रेश केक, इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल, टोटल केक कट जाएगा इनटू में, ये हो गया, और यहाँ से 4 पे 4 तो नहीं 6 3, और यहाँ पर 8 4 तो 28, 3 पर गया 2 और 1, 7 3 7 4 25 75। फाइंड द नंबर ऑफ द, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बटर केक अवेलेबल इन ए और बी, बटर केक ए और बी, बटर केक ए और बी 0 8, और फिर इधर 8 आ जाएगा 4 8, एंड द नंबर ऑफ द कैरेट केक बी और सी, कैरेट बी और सी 0 6 15, यहाँ से 5 और 2 28 26 और 14 7 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन ये तो हो गए, अभी जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वांट वाला सेक्शन। सो फर्स्ट जो है 8 बॉक्सेस हैं प्लेस्ड
2H और पोजीशन ऑफ बॉटम मोस्ट इज 1 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स भी है 1 to 8, डबल वेरिएबल हो गई है। ठीक है, तो यहां से 3 बॉक्सेस हैं जीओडी, 1 2 3 जीओडी हो गए। डी इज जस्ट अबोव एफ और ई कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ द कार्ड, तो ई हो जाएगा 8, समवेयर बिलो द ए बट नॉट एडजेसेंट टू द जी। ठीक है, यहां से ये वाला जो पोर्शन है हमारा अलग है। ठीक है, फिर क्या, 2 बॉक्सेस एफ और सी, 1 2 F 4 C, C contain 6 card, 2 boxes are placed A and B, A or B, or B is placed second to the of G, ठीक है, 7 box, 7th box contain the lowest number of the card, 7th lowest one, फिर card है, आगे देखते हैं, box placed just above H, contain 5, just above H contain 5 cards, so bottom most box contain 2 cards, bottom most 2 card, box which contain 7 card is just above, 7 is just above the 3, और कोई तो क्लू इसने दिया ही नहीं यार, बनाएंगे कैसे, तो बड़ा पेयर उठाना पड़ेगा हमें, ये वाला उठाते हैं, B एक छोड़ के G, बी फिर एक छोड़ के जी ऐसे है, अब जी और डी में 3, 1 2 3, डी हो गया एफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ से 1 2 3, डी होगा जस्ट नीचे होगा एफ, और एफ के 2 छोड़ के सी है, एफ 1 2, इधर हो गया सी, इसमें 1 2 सी इधर होगा नहीं, 1 2 हो गया सी इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन चुके हैं अब इसके, इसमें एक बाकी है, और क्या देख सकते हैं, ये हमारा कर लिया, ये कर लिया, बी और ए में 2, तो बी 1 2 इधर, ए 1 2 नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है, तो सी डी एफ बी डॉट जी, 1 2 3 4 5 6 7, बी और ए इधर मान लिया, या फिर 1 2 बी और ए, और क्या है, फिर एक बच गया हमारा एच, एच और जी बच, एच और ई भी बचा है, अब ई और जी एक साथ आएंगे नहीं, तो ई हमने इधर मान लिया, एच इधर आ जाएगा, ई इधर, एच इधर, लेकिन ए के नीचे आएगा ई, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ए के नीचे ई इधर आ गया, ऊपर एच, आई थिंक ये बन जाना चाहिए, देखते हैं, बी एच जी ए सी ई डी और फिर एफ, अब देखते हैं सी के पास है 6, एच से जस्ट अब वो है 5, और क्या है, ई के पास है 8 और 7 और 3, एक बच गया, 1 2 3 4 रह गया, वो इधर आ जाएगा, बन गया, डैश कंटेन द 2 कार्ड्स, 2 कार्ड है एफ, हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिलो द बॉक्स विच कंटेन द 7, 1 2 3 4 5, 3 2 5 हो गया, इस डैश इज प्लेस एडजेसेंट टू द बॉक्स सी, सी के पास है ए और ई, ए और ई बोथ, ए और बी, विच ऑफ द व्हाट इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द एच, बी की पोजीशन एच के रिस्पेक्ट में इमीडिएट अबो, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द ए, 1 2 3 4, तो आगे देखते हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय द प्राइम नंबर, सिंबल्स से पहले जस्ट प्राइम नंबर, सिंबल प्राइम नंबर 1, सिंबल प्राइम नंबर 2, सिंबल 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 3, सिंबल प्राइम नंबर नहीं है, सिंबल प्राइम नंबर सिंबल नहीं, सिंबल प्राइम सिंबल प्राइम सिंबल प्राइम सिंबल प्राइम, 3 ही है सिर्फ, 3 क्लिक हो जा, द गिवन व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल नंबर बिटवीन एट द रेट और क्वेश्चन मार्क, एट द रेट ये रहा क्वेश्चन मार्क, वो आगे ओके
8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 3 15, 15 और 5 अच्छा 15 और 9, 15 20 24। इफ इंटरचेंज फर्स्ट एंड द 15th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन दोनों को 15 हो गए ना ये, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या बात हुई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए ये। अब हमें बताना क्या है, देन विच एलिमेंट विल बी 9th टू द राइट ऑफ द 5th एलिमेंट, राइट 5th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो 9 5 14 यानी कि यहाँ से बताना है, और इसका चेंज हो गया यानी कि यहाँ से हमें 14 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो 13 ही हुए यार। यहाँ से हम एक बार ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही हो गए यानी कि 1 और 15 चेंज हुए यहाँ से, ये वाला और वो वाला। फिर सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लास्ट वाला बनेगा 9, और लास्ट वाला तो यही है, यही आना चाहिए। विच ऑफ द विच एलिमेंट इज 5th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस, ये हो गया 11th फ्रॉम द लेफ्ट, विच एलिमेंट इज 5th टू द राइट ऑफ द 5th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ये, और 5th टू द राइट 1 2 3 4 5, एंड आना चाहिए। To the left of this, so end आना चाहिए ना यार ये तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, which element is 5th to the right of, which is 11th to the left of this, 11th हो गया और 5th to the right, 1 2 3 4 5, एंड ही आएगा ये, जल्दी से करते हैं, काफी टाइम लगा दिया मैंने, 4 17 10 11 15 21 23। और क्या है, डबल वेरिएबल है ये भी, लोकेशन है अलग अलग, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आर बोर्डेड बिफोर द टी 2% क्यू एंड वाराणसी, ठीक है, एस इज जस्ट बिफोर यू, वी गोज टू नागपुर बट आफ्टर पी, ओके आफ्टर पी, वी गोज टू नागपुर बट आफ्टर द पी, और पर्सन गोज मुंबई, बोर्डेड ऑन 10th ऑफ जनवरी, तो मुंबई, ये मुंबई हो गया, ओ पी गोज पी बोर्डेड टू पुणे 15th ऑफ जनवरी, पी पुणे, नीचे एक इधर आ गया नागपुर, एक वी नागपुर इधर, आगे देखते हैं एस और यू जो कि मुंबई में नहीं है, एस और यू इधर आएंगे नहीं। फिर आगे क्या है, द पर्सन वाराणसी बोर्डेड आफ्टर द पी, तो वाराणसी इधर आ जाएगा, वाराणसी, अब 1 2 क्यू इधर, 1 2 क्यू इधर आ जाएगा, ये भी खत्म,
फिर एस और यू, एस और यू इसमें आ जाएगा, इधर आ नहीं सकता तो एस और यू इधर, ये भी खत्म। आर टी आर ओ टी, आगे देखते हैं। पर्सन आर डज नॉट गो टू मुंबई, मुंबई नहीं जाएगा, गलत। पर्सन बोटेड टू फ्लाइट ऑफ पुणे, सॉरी पटना इज जस्ट बिफोर दिल्ली, पटना जस्ट बिफोर दिल्ली। एक रह गया हमारा, क्या है, गोवा यही। होम ऑन द फॉलोइंग बोर्डेड एट फ्लाइट टू पटना, पटना एस, 23 जनवरी, बी नागपुर। हाउ मेनी पर्सन बोर्डेड बोर्डेड अ फ्लाइट आफ्टर आर, 1 2 3, आर बोर्डेड टू फ्लाइट टू गोवा, 4 जनवरी एस, अ पर्सन गो सॉरी स्टार्ट वॉकिंग इन इस डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम, एम पॉइंट इधर मान लिया। आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर्स टर्न टू द राइट एंड राइट फ्रॉम पॉइंट ओ एंड वॉक 4 मीटर्स टिल द पॉइंट एन, देन टर्न टू द राइट एंड वॉक थ्री थ्री एंड देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक लेफ्ट में, एक सेकेंड, टर्न टू द लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट क्यू, तो ये वाला हमारा क्यू हो जाएगा, और लेफ्ट में जाने का देन ही टर्न टू द, दो दो इधर आ गया, देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक फ्रॉम पी एंड वॉक 5, इधर 5 हो गया, देन ही टर्न टू द लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एस वॉक 8, 4 और 2 6 2 8, देन टर्न टू द लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट आर 5, तो ये भी 5 ही होगा, टिल द पॉइंट टी, देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक थ्री थ्री एंड टर्न टू द राइट फ्रॉम पॉइंट एक्स वॉक 5 यू। ओके, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट यू विद रिस्पेक्ट टू द एस, एस है हमारे पास कहाँ, एस कहाँ गया, एस, ओके एस ये रहा, और यू है जो कि नॉर्थ में। वट इज द शॉर्टर डिस्टेंस पी और एम, पी एंड एम, 4 और 2 6, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू द एन, एन हमारा कहाँ है, नॉर्थ और वेस्ट। ओके आगे है, 7 स्टूडेंट है, गोट द डिफरेंट मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश, तो दो अलग अलग बनाने पड़ेंगे मैथ्स, इधर इंग्लिश, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, फिर 7 हो गए। हैव स्कोर्स हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स बट स्कोर लेस लेस मार्क्स देन ए इन इंग्लिश, ओके ए लेस इन ए, देन जी स्कोर्स मोर देन ई, जी स्कोर्स मोर देन ई इन इंग्लिश बट लेस देन डी, लेस देन डी हो गया, जी स्कोर मोर देन सी स्कोर मोर देन जी, सी मोर देन जी इन मैथ्स बट लेस देन सी स्कोर लेस देन ई, सी लेस देन ई हो गया, डी स्कोर मोर देन डी स्कोर मोर देन ई, मैथ्स में डी स्कोर मोर देन ई और ई हू स्कोर मोर देन बी, सी स्कोर मोर देन ए, सी स्कोर मोर देन ए और ए स्कोर मोर देन डी, ए स्कोर मोर देन डी, ए बी स्कोर लेस देन एफ बी स्कोर, ओके तो इधर आएगा एफ फिर इधर आएगा बी, 1 2 3 4 5 6 7 ये बन गया हमारा, फिर एंड बी स्कोर मोर देन सी इन मैथ्स, बी स्कोर मोर देन सी ये बन गया इधर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग स्कोर द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स, सेकेंड हाईएस्ट है ए, क्लिक नहीं हुआ। ऑन द फॉलोइंग स्कोर्स लेस देन सी इन मैथ्स, लेस देन सी जी है उसको, मोर देन सी इन इंग्लिश यही आएगा जी। फॉलोइंग द फिफ्थ हाईएस्ट मार्क्स, 1 2 3 4 5 बी, 8 पर्सन है सिट अराउंड द स्क्वायर टेबल, ओके 4 ऑफ देम आर मिडल ऑफ द साइड फेसिंग टू आर द सेंटर,
एंड द पर्सन सेंटर ऑफ द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, और वी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू फेसेस टू द सेंटर, क्यू इधर आएगा, वी वन टू थ्री, वी थर्ड टू द लेफ्ट, वो पी डज नॉट सिट एट द सेंटर टू द टी, 1% पी और एस, और टी सिट एट द सेंटर टू टी सिट अपोजिट टू यू, यू सिट एट द सेंटर टू द क्यू, ये मिल गया एक क्लू, यू सिट, और यू और टी, लेकिन इसमें तो बनेगा नहीं, आर और एस अपोजिट डायरेक्शन, पी और टी एक साथ नहीं होंगे, इधर हो नहीं सकता, पी इधर आएगा नहीं, पी इधर ही आएगा, एस इधर, अब आर और एस अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अंदर है तो आर इधर बाहर, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, पोजिशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू द यू, वन टू थ्री, थर्ड टू द लेफ्ट, वन टू थ्री, थर्ड टू द लेफ्ट हो गया, उस इट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू टी, इमीडिएट राइट ऑफ आर क्यू, 4% सिट बिटवीन व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ टी, 1 2 3 4, पी डैश थर्ड टू द राइट ऑफ द डैश, उस इट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, सेकेंड टू द 1 2, और यहां से थर्ड टू द राइट, 1 2 3, उस इट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू और टी ही है सिर्फ एक। आगे देखते हैं, सम वैन जो कि है कार, और कार पोलिश, सम कार इज नॉट वैन, कार इज नॉट वैन नहीं पता, ऑल वैन कैन बी कार, वैन कैन बी कार ये हो सकता है, ओनली सेकेंड, ओनली अ फ्यू मून फर्स्ट, सम फर्स्ट ब्लैक, सम फर्स्ट इज नॉट मून, फर्स्ट इज नॉट द मून नहीं पता भाई, All first can be moon, first can be moon. Some moon is not होता तो हो जाता, लेकिन ये तो नहीं होगा. Some tie are not socks, some socks shoe or no shoe, slipper, some slipper being tie, slipper being tie is a possibility. Some shoe being tie is a possibility, both r greater than b, greater than f नहीं बनेगा ये, p greater than equals to d, p greater than equals to d ये भी नहीं बनेगा, तो neither nor, w greater than equals to t, w greater than equals to s, s greater than ये सही है, g greater than u, g greater than एस हो गया, एस ग्रेटर देन यू, ये भी सही, बोथ, वन ग्रेटर देन के, वन वन ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन के सही है, एल ग्रेटर देन सिक्स, एल ग्रेटर देन पी, पी ग्रेटर देन ये नहीं होगा, ओनली वन, डी ग्रेटर देन के, डी ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन तो नहीं बना, ओ ग्रेटर देन जे, ओ ग्रेटर देन है ही नहीं, तो ये भी नाइदर नोर, एटमोस्ट 10%, ज्यादा से ज्यादा 10, नो वैकेंट सीट, तो इसको एक बार स्किप करते हैं, पता है यार इस ऐसे क्वेश्चन में फंसने के मेरे चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं तो स्किप ही करना पसंद करता हूँ। हाउ मैनी सच पेयर्स, एफ सिक्स आर हो गया, 18 ए वन, जी सेवन, एम 13, 5 14, 20 एस हो गया 19, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 नहीं बनेगा, बहुत डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 नहीं, 5 6 7 1 9 10 नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 ये बनेगा नहीं, 20 सेव जाएगा नहीं, 19 और 20 सिर्फ दो ही हैं। इफ इन द लेटर ऑफ द वर्ड आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो एम का क्या होता है, 13, 15, टी 20, आई 9,
यू, फिर V22, A1, T20, I9, V15 हो गया, ये 14 हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट एंड, वन आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 9 आएगा दो बार, सबसे बड़ा है 22, दो है 20, फिर 15 दो बार, यहाँ से 14 और 13। बताना क्या हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 5, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 पर कौन सा था, ये हमारा एम, एम आ जाएगा। सो अभी हम क्वांटी कर लेते हैं, तो पजल का तो भाई कोई भरोसा नहीं है मेरा। मिक्सचर ए कंटेन 25% ऑफ मिल्क हो गया, और वाटर है ना दूसरा, वाटर 25% वाटर, तो 3 ही हो गया रेशियो 1। 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस विद द वाटर, तो वाटर इसमें ऐड कर दिया। इफ द क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द इनिशियल मिक्सचर वाज, इनिशियल था हमारा ये 60, ये 20, 20% और 16, 16 निकालने के बाद कितना बचा, यहाँ से 70, 60, 16 निकाल लिया और 8, 8, 64 बच गया, 64 का तो 16, 16 थी 48 और 16 इधर, ये बच गया मिक्सचर इसमें। ये फाइन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल, तो 6, 3, 48, तो 8 ये जाएगा 9 पर, 1 और 2, 4:3। ए बी और सी, ए बी और सी 12, 16 और 20, तो यहाँ से हम कितना ले सकते हैं, 12, 16 और 20 का ध्यान नहीं आ रहा मुझे, 4, 3, 4 और 5, तो यहाँ से 4 चौक 16, 16 पंजे 80 और 8 24, 120 तो हम ले नहीं सकते शायद से, तो यहाँ पे 2 और 0, 20 आ जाएगा 12, 16 4, यहाँ से 6 0 15, 15 आ गई है। देन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 75 द वर्क, तो इसका 3/4, 6 0 6 3 18, 18 इतना काम तो किया, इन हाउ मेनी डेज ए और सी टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग 60, ए और सी 2 और 3, तो यहाँ से 16 और 30 यानी 15/8 डेज में रिमेनिंग काम कर लेंगे ये। तो देखते द रेशियो द नंबर ऑफ द जी शर्ट और जीन्स सोल्ड, और इन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शर्ट एंड ईच सोल्ड, ये हो गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द शर्ट्स, तो शर्ट है 3 और द ईच हो गया 4 3 12, 2 3 0, 1 की वैल्यू होगी 15, ठीक है। फाइंड द एस पी ऑफ ऑल द जीन्स, जीन्स कितनी है, 5, 7 5 35, 0 15 5 75, 5 7 15 45, 7 5 12, 52 50, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल, एवरेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट इज, ठीक है, एवरेज मार्क्स इज इंक्रीज बाय द 2 व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज जॉइन, द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ एन एंड एन प्लस, तो यहाँ से एन प्लस 1 और 40 एन हो गया, रेशियो कितना है यहाँ से इनका 21, एन का है 19, 20 और 21, तो 21 वैसे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 19n+19 इक्वल्स टू 20n, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 19। ये देखते हैं रिटेलर सेल्स एन आर्टिकल जो कि सीपी और एसपी,
सीपीयू का 5, ईओ का 6, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1440, 6 × 12, 6 × 24, 24 तो ये 1200 हो जाएगा इसका। इफ ही हैड द 25% अबो तो इसका 416 हो गई एसपी। एसपी डिस्काउंट कितने का दिया इसने, 240, 1600 कट ही जाएगा, 604, 15% का डिस्काउंट, 15 1/2 एंड द क्या मिस्टेक करी, ओके शिट, 160 का आएगा यार, है ना, तो गलती कर दी मैंने ये। अभी स्कोर मेरा कितना बना है, रीजनिंग में 34, हाँ इतने ही मैंने अटेम्प्ट किए थे, क्वांट में 30 अटेम्प्ट हुए थे, तो टोटल स्कोर जो बना है 64। आप लोग बताना आपका क्या स्कोर है इस मॉक टेस्ट में। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।